हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यू ऑल सो स्टूडेंट्स दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द रिवीजन ऑफ द चैप्टर नाजम एंड हिटलर सोलर आफ्टर दी एम आर रिपब्लिक सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट हिटलर रोज टू पावर ही वॉज बॉर्न इन एटीन एट्टी नाइन इन ऑस्ट्रिया एंड स्पेंट हिज यूथ इन पोअर्टी तो देखिए जो हिटलर थे इनका जन्म हुआ 1889 एट्टी कहाँ हुआ था ऑस्ट्रिया में और जो इनका यूथ था इनकी जो जब ये युवा थे तो काफी गरीब थे गरीबी में इनका जिन इनकी जिंदगी भी थी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही इनोल्ड फॉर द आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने अपना नामांकन किसमें करवाया था आर्मी में एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट और ये क्या थे आर्मी फ्रंट में ये एक मैसेंजर के रूप में इन्होंने काम किया बिकेम कॉरपोर एंड अर्ड मेडल्स फ्रॉम ब्रेवरी और उसके बाद सेना में काम करने का इन्हें अवसर मिला और इन्होंने अपनी वहाँ पर बहादुरी के लिए काफी मेडल्स भी जीते हिटलर ज्वाइन द स्मॉल ग्रुप कॉल द जर्मन वर्कर्स पार्टी इन नाइनटीन नाइन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन तो देखिये हंड्रेड नाइनटीन में क्या इन्होंने एक स्मॉल ग्रुप था जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी तो इसे इन्होंने ज्वाइन जो, कर दिया

मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर तो वो इन्होंने देखिए बर्लिन की ओर मार्च किया और वहाँ पर पावर क्या कर ली कैप्चर कर ली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन एज यू स्टडी इन लास्ट रिविजन वीडियो जर्मनी फेस्ड ग्रेट जर्मनी एंड अदर वर्ल्ड लाइक यू एस ए फेस्ड अ ग्रेट डिप्रेशन सो ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन Nazism became अ मास movement आफ्टर nineteen twenty nine बैंक collapsed देखिए nineteen nineteen twenty nine के बाद क्या हुआ जितने भी banks थे वहाँ पर collapsed सब को भारी नुकसान हुआ शट डाउन जितने बिजनेस थे बड़े बड़े उद्योग थे बंद हो चुके थे वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स जितने भी वर्कर्स थे उन्हें अपनी uh, जॉब से हाथ धोना पड़ा बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन एंड डिस्टिट्यूशन और इसी के साथ जो वहाँ पर था, वो भी हुआ था ऐसी हालत में। नाजी प्रोपोगेंडा स्टिड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर और इसी समय जो इनका प्रोपोगंडा था नाजी पार्टी का तो इन्होंने सभी को वहां पर एक बेटर फ्यूचर का सपना दिखाया सभी जितने भी जर्मन थे क्योंकि उनका उस समय जो मीएमार रिपब्लिक था उसे भरोसा काफी कम हो चुका था हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर देखिए बहुत पावरफुल स्पीकर था जब वो बोलता था एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल और उसके जो वर्ड्स थे लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे उन्हें आकर्षित करते थे इन हिज स्पीच ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग द अनजस्टिस ऑफ द वर्साइल्स ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल और उसने लोगों को भरा भरोसा दिलाया कि वह एक स्ट्रॉन्ग नेशन का निर्माण करेगा ऐसा उसने लोगों से प्रॉमिस किया वादा किया और साथ ही जो इनजस्टिस हुआ था जर्मनी के साथ वर्साइल्स ट्रीटी में उन पर भारी जुर्माना लगाया गया था तो उसने कहा कि उनकी जो डिग्निटी है वो भी जर्मन पीपल की वह क्या करेगा रिस्टोर करेगा ही ऑल्सो प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क उसने ये भी प्रॉमिस किया लोगों से वहाँ पर कि जो वर्क uh, ढूंढ रहे हैं उन्हें वो इम्प्लॉयमेंट देगा एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ और जो यूथ uh, है वहाँ पर उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर देगा ही प्रॉमिस् टू वीड आउट ऑल फॉरन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरन कॉन्सपेरेज अगेंस्ट जर्मनी और साथ ही जर्मनी को जो बाकी बाहरी ताकतें हैं उनसे भी मुक्त करेगा हिटलर स्टार्टेड फॉलोइंग अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स तो जर्मन जो हिटलर थे उन्होंने एक यहाँ पर नई तरह की पॉलिटिक्स स्टार्ट की एंड हिज फॉलोअर हेल्ड बिग रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट और जो उसके फॉलोअर्स थे उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली पब्लिक मीटिंग मीटिंग्स की अपने यानी जो सपोर्ट था उसका प्रदर्शन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द नाजी प्रोपागेंडा हिटलर वॉज कॉल्ड अ मसीहा तो उसे एक मसीहा की तरह ए सेबर यानी कि जो लोगों का बचाव करेगा एज समन हैड अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस और एक ऐसा व्यक्ति उसे इस रूप में पेश किया गया उसके फॉलोअर्स के द्वारा कि वो सभी को जो दुख हैं उनसे मुक्ति दिलाएगा द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी तो देखिए वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ जो अंत हुआ डेमोक्रेसी का कैसे हुआ प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप ऑन थर्टी जनवरी तो देखिए जो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे उसमें हिंडनबर्ग उन्होंने चांसलरशिप ऑफर की हिटलर को ऑन थर्टी जनवरी नाइनटीन थर्टी थ्री द हाइस्ट पोजिशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर तो जो यहाँ पर कैबिनेट थी मिनिस्टर्स की उसमें सबसे हाइस्ट पोजिशन किसे दे दी गई हिटलर को फायर डिक्रीज़ ऑफ ट्वेंटी एट जेन फेरवरी नाइनटीन थर्टी थ्री सस्पेंडेड सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली गारंटीड बाई कॉन्स्टिट्यूशन और देखिए इसके बाद एक फायर डिक्री uh, निकाली गई घोषणा पत्र निकाला गया ट्वेंटी एट फेबर नाइनटीन थर्टी थ्री को जिसमें सभी लोगों के जितने सिविल राइट थे लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार प्रेस एंड असेंबली Uh, स्वतंत्रता जो प्रेस होती है हमारी उस पर स्वतंत्रता जो होती है और साथ ही जो असेंबली होती है लोग मीटिंग कर सकते हैं और तो जितने भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी एम कॉन्स्टिट्यूशन थे यहाँ और जो भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो गारंटी देते हैं अपनी सिविलियंस को तो वो सारे इस फायर डिग्री के द्वारा ले लिए गए ऑन थर्ड मार्च नाइनटीन थर्टी थ्री द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज़ पास्ड अब देखिए दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन जो इनबलिंग एक्ट था वो कब आया थर्ड मार्चरशिप इन जर्मनी और इससे क्या हुआ जो जर्मनी था वहां पर किसकी शुरुआत हुई डिक्टेटरशिप के द स्टेट टू कंट्रोल ओवर द इकोनोमी मीडिया आर्मी एंड जुडिशरी तो जो स्टेट था जो जर्मन था स्टेट तो सभी जो वहाँ की इकोनॉमी थी जो वहाँ की जो मीडिया थी आर्मी थी और जुडिशरी थी सभी पर उनका कंट्रोल हो गया अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस एंड ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एस ए और द्रूपर्स दीज द गेस्ट गेस्टपो तो ये क्या था एक सीक्रेट स्टेट पुलिस तो यहां पर जो सीक्रेट पुलिस थी उसको भी अपॉइंट किया गया बनाएगी द एस द प्रोटेक्शन द सिक्योरिटी सर्विस डन द हिटलर इकोनॉमिक रिकवरी वाज असाइंड टू द इकोनॉमिस्ट वॉलमार सात बाय हिटलर हु एम्ड एट फुल क्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम तो इन्होंने जो हिटलर थे हॉलमार्क साख इन्हें अपॉइंट किया गया जिनका जो मेन प्रोग्राम था फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल प्रोडक्शन दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज और इस थ्रू दिस प्रोजेक्ट दे में प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज तो जो जर्मन सुपर हाईवेज थे उसका निर्माण किया गया एंड द पीपल्स कार और जो उस समय लोगों की कार थी द वॉक्स वैगन तो वो बनाया गया हिटलर रूल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन नाइनटीन थर्टी थ्री तो नाइनटीन थर्टी थ्री में इसने लीग ऑफ नेशंस छोड़ दी ऑक्यूपाइड द राइन इन नाइनटीन थर्टी सिक्स जो राइन था रिसोर्सफुल एरिया 1936 में उसे दोबारा ऑक्यूपाई कर लिया एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1933 थर्टी थ्री अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर और उसके बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी इसका एकीकरण कर दिया गया 1938 में और जो स्लोगन दिया गया उसमें वन पीपल एक लोग वन एम्पायर एक राज्य एंड वन लीडर और एक लीडर साख्त एडवाइज़ हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग हगले इन रियामेंट एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डिफिक्ट फाइनेंसिंग तो जो वॉलमार साख्त थे उन्होंने हिटलर को ये एडवाइस दी कि वो ज़्यादा जो भी हथियार हैं जो भी आ, युद्ध निर्माण सामग्री है उस पर ज़्यादा खर्च ना करें क्योंकि इससे उनका जो ट्रेजर है वो खाली हो जाएगा उन्हें काफी आर्थिक नुकसान होगा ऐसा उन्होंने सुझाव दिया पर हिटलर रिफ्यूज हिज एडवाइस एंड थ्रू आउट हिम फ्रॉम हिज पोजिशन तो हिटलर ने उसे उसके पोजिशन से हटा दिया जो आपके साख थे द नाजी वर्ल्ड व्यू तो जो नाजी वर्ल्ड व्यू था वो क्या था नाजीज आर लिंक्ड टू तो अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस तो उनका एक बिलीफ सिस्टम था और एक कुछ उनके क्रियाकलाप थे अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी जो उनके आइडियोलॉजी था जो सिद्धांत थे देयर वॉज नो इक्वेलिटी पीपल बिटवीन पीपल तो अंडर दी नाजी आइडियोलॉजी वहां पर कोई भी इक्वलिटी नहीं थी लोगों के बीच बट अ रिजिकल हेरार तो एक रेसिकल जो होती थी जो अनुवांशिकता उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर यह सिस्टम चला था रेसिज्म ऑफ हिटलर बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर तो देखिए जो रेसिज्म था हिटलर ने जिसे अपनाया था वो किससे लिए गए थे जो थिंकर थे विचारक चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर द आर्ग्यूमेंट ऑफ नाजी वॉज सिंपल तो इनका जो कहना था नाजी सपोर्टर्स uh, का द स्ट्रॉगेस्ट रेस वुड सर्वाइव जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबसे ताकतवर नस्ल है वुड सर्वाइव वही सर्वाइव करेगी एंड द वीक वन वुड पेरिस और जो वीक है ऐसी नस्लें लोगों की वो खत्म हो जाएंगी द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट हु अकॉर्डिंग हिटलर आरियंस फॉर दस्ट अमंगम स्ट्रॉगन है वर्ल्ड और वही बनेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग और वही अपना प्रभुत्व जमाएंगे पूरे वर्ल्ड पर ऐसा हिटलर की आइडियोलॉजी थी द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपोर्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेस्ट्रम एक जगह पे इकट्ठा करना चाहता था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजिकल स्टेट साथ ही एक 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 वंश पर आधारित ऐसे उसने राज्य का निर्माण किया केम इनटू पावर एंड क्विकली टू इम्प्लीमेंट द एक्सक्लूसिव रिजिकल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स तो ऐसी कम्युनिटी पावर में आते ही उन्होंने शुरू कर दिया इम्प्लीमेंटेशन अ सोसाइटी वो ऐसी सोसाइटी चाहते थे प्योर एंड हेल्दी नॉडिक आर्यन जहाँ पर केवल कौन हो शुद्ध और हेल्दी जो स्वस्थ हो ऐसे नोडिक आर्यन सी वहाँ पर नहीं अंडर द यूथेंसिया प्रोग्राम जो उनका यूथेंसिया प्रोग्राम था हेलमुट्स फादर हैड कंडेम टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वेर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट तो जो आपने शुरू में हेलमुट की स्टोरी सुनी थी तो उसके फादर आ, को भी मारा जाने वाला था क्योंकि देखिए वहां पर जितने भी मेंटली और फिजिकली अनफिट लोग थे उन सभी को क्या किया जाता था, था? गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था अंडर हिटलर्स जर्मनी देर वॉज नो प्लेस फॉर देम उनके लिए कोई भी जगह नहीं थी चाहे वे नोडिक आर्यसी क्यों न थे दे नीड टू बी दे नीडेड ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट ऑफ रशिया कैप्चर्ड सविलियंस एंड फोर्स दैम टू वर्क एज स्लेव लेबर तो देखिए जो जर्मनी थी अंडर दी लीडरशिप ऑफ हिटलर उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया पोलैंड एंड पार्ट ऑफ रशिया और कुछ पार्ट ऑफ रशिया का भी उन्होंने कैप्चर कर लिया वहाँ के सिविलियंस को भी कैप्चर कर लिया लोगों को और उन्हें फोर्स किया कि वो स्लेव लेबर वहाँ पर यानी कि एक दास की तरह तो उनका काम करें जूस रिमेंट वर्स्ट सब वाजी जर्मनी सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ नाजी जर्मनी में वो हुआ जूस को हिटलर हेटेड जूस बेस्ड ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस तो एज हिटलर वॉज फॉलोअर ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर एंड चार्ल डारी हिटेड जूस

चुना गया वहां से कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री और साथ ही कंपेल किया गया उन्हें कि वे कंट्री को छोड़ दें द रिसिकल यूटोपिया जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन तो देखिए उस समय जो एक तो वॉर हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर और साथ ही जर्मनी में जेनोसाइड जो हो रहा था जूस का और अदर uh,

उन्हें फोर्स किया गया दबाव डाला गया कि वे अपने घर छोड़ दें एंड प्रॉपर्टीज़ जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है वो भी छोड़ दें मेंबर्स ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड जो पुलिस इंटेलिजेंसिया थे के उनका मर्डर कर दिया गया इन लार्ज नंबर्स पुलिस चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यस वर और जो पोलिस चिल्ड्रन थे पोलैंड के जो बच्चे थे हु लुकड लाइक आर्यन जो आई आर्यन के दिखते थे वर फोर्स बाय स्नैश फ्रॉम देयर मदर्स एंड एग्जाम एग्जामिन बाय रेस एक्सपर्ट तो उन्हें उनकी माताओं से छीन कर उनका फिर से क्या किया गया एक बार एग्जामिन किया गया पर, आ, उनको उनकी परीक्षा ली गई कि रेस एक्सपर्ट से कि वे नोडिक आर्यस बनने लायक हैं या नहीं हैं So, students, this was the story of Nazi ideology and Hitler. I hope you understood uh, this revision part well. So, thanks for watching.